यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद ब्राउन लिपस्टिक मतलब आपको कुछ समझ न आ रहा हो कोई भी आउटफिट हो आप ब्राउन लिपस्टिक लगा लो एंड गुड टू गो बिकॉज ब्राउन इज दैट कलर एंड आई एम श्योर की आप सब लोगों को मेरी तरह पसंद होगी एंड आई है तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ माई टॉप टेन फेवरेट ब्राउन लिपस्टिक्स जो की मुझे रिसेंटली काफी ज्यादा पसंद आ रही है एंड ओवर टाइम भी मैं इन्हें काफी ज्यादा यूज कर चुकी हूँ so सो अभी फॉल सीजन भी आ रहा है एंड इस टाइम पे यू you नो know, ब्राउन मस्टर्ड ये वाले टोन्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं सो दीज लिपस्टिक्स विल बी परफेक्ट फॉर दिस अपकमिंग सीजन आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली पांच लिपस्टिक शेयर करने वाली है, जो क्रीमी बुलेट वाली वाली लिपस्टिक्स है एंड पांच लिक्विड लिपस्टिक होने जो की बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है एंड मैं आप लोगों को स्वच्छेस विद एंड विदाउट मेकअप दूंगी नेचुरल लाइट में ताकि आप लोग शेड को एक्सैक्टली exactly देख पाओ कि वो मेरी स्किन पे कैसा लगता है सो यस इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग वेरी वेरी and but if you're new to my channel take out a moment hit that red subscribe button now without any further blabbering let's just dive right into the video <laughs> एम आर पी मैं स्क्रीन पे कर दूंगी दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सो यू यू कैन चेक आउट एवर वन लाइक बेटर तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं विथ स्विस ब्यूटी की एच डी मैट लिपस्टिक एंड दिस वन इज इन द देड इलेवन चोकोलावा ये लिपस्टिक ना मैंने बहुत ज्यादा यूज करी है तो ये सिर्फ इतनी ही बची है ये वाली लिपस्टिक का ना फॉर्म्यूला काफी ज्यादा अच्छा है एंड दिस इज वॉट द शेड चोकोलावा लुक्स लाइक इट इज अफुल ब्यूटिफुल ब्राउन कलर एकदम चॉकलेट ब्राउन कलर है और उसमें इंडियन स्किन टोन पे थोड़े से डीप डे उनपे भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है मेरे ऊपर ये विद एंड विदाउट मेकअप दोनों ही मुझे काफी ज्यादा पसंद है सो इवन इफ आई हैव लाइक अ बेर फेस मैं सिर्फ ये लिपस्टिक लगा के आई कैन स्टेप आउट इट जस्ट मेक्स मी लोक अलिट मोर प्रेजेंटेबल और इसका ना फॉर्म्यूला काफी अच्छा है ये लिप्स ज़्यादा पिगमेंटेड है जब ड्राई डाउन हो जाती है बिल्कुल मैट हो जाती है काफी ज्यादा लाइट वेट है आपके लिप्स पे हैवी बिल्कुल फील नहीं करेगी नाउ स्लाइटली स्मज होता है इफ यू रब इट ऑफ टू हार्ड बट यू नो ऑफकोर्स वी आर नॉट गो डू दैट ट्रांसफर बहुत थोड़ा सा होता है बट पिगमेंट लिप्स पे रहता है सो इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक आपको बार बार टचअप करने की जरूरत नहीं है ड्राइंग तो बिल्कुल भी फील नहीं होती ऑफ कोर्स प्लस इसका जो फॉर्म्यूला है ना वो आपके लिप्स पे काफी ज्यादा स्मूथ और हाइड्रेटिंग फील होगा अच्छा खासा आपको तीन से चार घंटे लास्ट कर जाएगी एंड उसके बाद आपको रिअप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज बुलेट लिपस्टिक है ज्यादा तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते नेक्स्ट वी हैव मामा अर्थ की सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक इन द शेड मोका ब्राउन दिस

को ब्राउन न्यूज बहुत ज्यादा पसंद है तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा इवन ऑन डस्ट की डीपर स्किन टोन एक ब्राउन लिप लाइनर के साथ ये वाली लिपस्टिक इतना अच्छा लिप कॉम्बो आपको देगी दैट यू विल लिटरली फॉल इन लव विद दिस लिप कॉम्बो टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूलेशन इसकी एक सॉफ्ट मैट फिनिश है काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग है ड्राइंग तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी आपको बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है यू विल नॉट फील ऑन योर लिप्स नाउ होती है ट्रांसफर भी होती है बट uh, ट्रांसफर होने के बाद भी एकदम से आपके लिप्स से रिमूव नहीं हो जाएगी इसका पिगमेंट रहता है आपके लिप्स में बट अगेन टू टू थ्री आवर्स के बाद यू विल नीड टू रीअप्लाई इट एंड कुछ खा पी लोगे तो उसके बाद भी आपको रिटच करना पड़ेगा थर्ड so, लिपस्टिक हमारी है प्लम की ट्विस्ट एंड गो मैट लिपस्टिक इन देड वन टू नाइन डबल ट्रफल इस लिपस्टिक की मैं कितनी सारी बात कर चुकी हूँ लुक एट इट इस इतनी मैं इसको ख़त्म कर चुकी हूँ दैट आई हैव टू ट्विस्ट इट ओपन एंड दिस इज़ व्हाट दिस शेड लुक्स लाइक इट इज़ अ वेरी 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 प्रिटी ब्राउन कलर ये वाला ब्राउन ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इट रिमाइंड्स मी ऑफ डेरी मिल्क बिल्कुल डेरी मिल्क वाला कलर है इसका ब्यूटिफुल चॉकलेटी ब्राउन कलर एंड काफी ज्यादा अच्छा लगता है बहुत सारी स्किन टोन्स पे लाइक like मेरे ऊपर तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है ये वाली लिपस्टिक इवन ऑन नो मेकअप डेज इट लुक्स सो प्रिटी अगर आप थोड़ा सा डस्ट की स्किन टोन हो मेरे से थोड़े डार्क हो तब भी आप पे काफी ज्यादा अच्छी लगेगी इट विल वर्क एज अ न्यूड कलर फॉर यू एंड इफ यू आर लाइक वेरी डीप स्किन टोन तो आप इसको ब्राउन लिप लाइनर के साथ पेयर कर सकते हो काफी ज्यादा अच्छी लगेगी बट ये जो शेड है ना ये अपने आप में भी विदाउट लिप लाइनर भी बहुत ही ज्यादा वेराइटी ऑफ स्किन टोन्स पे सूट करेगा एंड अगेन इट इज अ वेरी वेरी प्रिटी ब्राउन कलर एंड अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात आई हैव मेड नोट्स हर ये एकदम मैट सेट होती है सॉफ्ट मैट नहीं बिल्कुल मैट सेट होगी स्टिल आपके लिप्स पे ड्राइंग नहीं लगती है एंड इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट नहीं बिल्कुल भी हैवी फील नहीं करती है दिस रेंज ऑफ लिपस्टिक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स इसके काफ़ी सारे शेड्स हैं मेरे पास नाउ स्मज होता है बहुत थोड़ा सा स्मज होता है एंड ट्रांसफर भी एक दो बार ट्रांसफर होता है उसके बाद ये जब अच्छे से सेट हो जाती है ना उसके बाद उतना ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं करती है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है मतलब अगर मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ ना तब तो ये मुझे आराम से दिन से लेकर शाम तक टिक जाती है लाइक वेन आई गो आउट एंड आई एम नॉट ईटिंग

उसी वाले कलर की ये लिपस्टिक है सो इट हैज ब्यूटीफुल रिच वार्म अंडरटोन तो इंडियन स्किन टोन्स पे ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला शेड एंड इवन लाइक डफ की स्किन टोन्स पे भी बहुत अच्छा लगेगा और ज्यादा आप डीपो तो अगेन ना ब्राउन लिपलाइनर के साथ पेयर कर सकते हो अगर इसके फॉर्मूला की बात करूँ तो इसका भी सॉफ्ट मैट पाउडर मैट काइंड ऑफ फिनिश है बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग लगता है आपके लिप्स पे ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं लगता है लाइट वेट लिपस्टिक है हैवी फील नहीं करती है ट्रांसफर प्रूफ नहीं है इट ट्रांसफर क्वाइट अ बिट बट पिगमेंट रह जाता है आपके लिप्स पर बहुत जल्दी जल्दी रिअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अच्छा खासा दो से तीन घंटा तो आराम से चलती है इफ़ यू आर नॉट ईटिंग समथिंग एंड यस बुलेट लिपस्टिक्स का अगर मैं बात करूँ तो उस हिसाब से अच्छा खासा लॉन्ग लास्टिंग इसका है पावर तो अच्छी खासी टिकती है एंड द शेड इन इट इज़ वेरी वेरी प्रिटी सो so, इसका जो कॉम्पोनेंट है ना वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है इसकी जो आउटर पैकेजिंग आती है वो भी बहुत अच्छी है सो या अगेन दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ब्राउन कलर्स इसको मैं काफी ज्यादा वेयर करती हूँ इसलिए इस लिपस्टिक की बहुत बुरी हालत हो चुकी है क्योंकि दो तीन बार टूट टू तू, गिर गिर के टूट गई है मुझसे लास्ट हमारी जो ये बुलेट लिपस्टिक की कैटेगरी में आती है ऑल दिस इज नॉट लुक लाइक अ बुलेट ये है हमारी शुगर की मैट अटैक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक इन द शेड 14 कैफीन बैंडेड ब्रोकन द टेप ऑफ दिस वन आल्सो ना ये वाली लिपस्टिक ना मैं काफ़ी ज्यादा यूज कर चुकी हूँ इस वाली रेंज से मेरे पास रेड्स भी हैं मरून्स भी हैं ये वाली रेंज ना मेरी पहले बहुत फेवरेट हुआ करती थी बट अभी काफी टाइम से मैंने यूज नहीं करी है एंड दिस इज द शेड कैफीन बैंडेड आई एम नॉट श्योर अगर मैंने ये वाला शेड आप लोगों के साथ पहले कभी शेयर किया है इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्राउन कलर विथ कूल cool अंडरटोन इसका बहुत ही अच्छा पिगमेंट है एंड ओ माय गॉड ये सबसे डिफरेंट लिपस्टिक है ये आपकी बुलेट लिपस्टिक में आएगी बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला इट इज लाइक अ क्रीमी लिपस्टिक बट इसका जो काम है वो लिक्विड लिपस्टिक जैसा है एंड दिस शेड इन इट सेल्फ लुक्स वेरी वेरी प्रिटी अगर आप डस्ट की डीप स्किन टोन हो ना आप पे भी ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड जो फेयर स्किन टोन्स हैं वो इस शेड को लिप uh, लाइनर की तरह यूज़ कर सकते हैं एंड देन फिल इट इन विद अ न्यूड ब्राउन कलर एंड वो लिप कॉम्बो इतना सुंदर लगता है मी पर्सनली मैं इसको खुद में यूज कर लेती हूँ लाइक ऑन माई इंटायर लिप एंड मैं कभी कभी इसको लिप लाइनर जैसा यूज करके सेंटर में कोई न्यूड ब्राउन यूज कर लेती हूँ एंड इट लुक्स सो प्रिटी एकदम मैट सेट होती है बहुत ज्यादा लाइट वेट है आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगी बिल्कुल स्मच प्रूफ है बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ है एंड सुपर लॉन्ग लास्टिंग है मतलब पूरे दिन अच्छे से टिकी रहती है ये लिपस्टिक जैसे लिक्विड लिपस्टिक्स परफॉर्म करती है ना वैसे ही ये वाली लिपस्टिक भी परफॉर्म करती है बट ये अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली कुछ खा रहे हो ना तो यहाँ सेंटर से थोड़ी थोड़ी सी रिमूव होने लग जाएगी बट अगैन बिकॉज इसका जो फॉर्मूला है उसकी वजह से आपको इसको रीअप्लाई करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी जैसे लिक्विड लिपस्टिक्स में कभी कभी आ जाती है सो सारी लिपस्टिक्स में

एक्सेप्शनल स्टे मैट लिक्विड लिपस्टिक एंड अभी रिसेंटली मेरी ऑलमोस्ट सारी ही विडियोज में आप लोग मुझे यही लिपस्टिक वेयर करके देख रहे हो गए एंड दिस इज वॉट देर शेड लुक्स लाइक इट इज़ अ वेरी वेरी प्रिटी ब्राउन न्यूड कलर और इसके बहुत ही ज्यादा बोलूँ तो न्यूट्रल अंडर टोन्स है ना तो ये एकदम वार्म ही है ना तो ये एकदम कूल ही है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कलर है स्मोकी आई पे ये इतना सुंदर लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ लाइक बहुत ही अच्छा कलर है बहुत ज्यादा अच्छा कलर है एंड काफ़ी सारी स्किन टोन

तो तो ये आपको ड्राइंग नहीं फील करेगी बट थ्रू आउट द डे जैसे जैसे मेरे लिप्स बिकॉज आई हैव लाइक वेरी वेरी ड्राई एंड चैप्ड लिप्स तो मेरी लाइंस में ऐसे सेटल हो गई थी थोड़े से क्रैक्स दिखने लग गए थे सो द फॉर्म्यूला इज नॉट द एब्सोल्यूट फेवरेट बट दिस कलर इज माई फेवरेट तो इस कलर की वजह से मैं फिर भी इस लिपस्टिक को रोज रोज अप्लाई कर ही रही हूँ तो वॉट आई डू इज मैं अच्छे से अपने लिप्स को स्क्रब करके अच्छा लिप मास्क लगा के उसके बाद ये लिपस्टिक लगाती हूँ तो फिर ये चल जाती है बट येस yes, अगर आप

वो भी टूट चुका है इसको मैं इतना ज्यादा यूज एंड अब कर चुकी हूं दिस वन इज द मामा अर्थ की लाइट लिक्विड लिपस्टिक एंड आई एम श्योर की आप लोगों को इस लिपस्टिक के बारे में कितनी बार पहले बता चुकी होंगी बिकॉज ये लिपस्टिक बहुत सालों से मेरी फेवरेट है एंड दिस वन इज इन द शेड न्यूड टी एंड दिस इज वॉट लाइक इस रेंज में और भी काफी सारे ब्राउन न्यूज हैं जो कि अच्छे अच्छे हैं बट न्यूड टी इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट वाई बिकॉज ये वाली लिपस्टिक ना काफी डिफरेंट स्किन टोन्स को सूट करती है डस्ट की स्किन टोन्स फेयर स्किन टोन मेरे जैसा मीडियम व्हीटिश स्किन टोन ये वाला कलर बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है एंड विदाउट मेकअप भी ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है लाइक like, यू लुक पुट टुगेदर सो दिस इज माई एवरी डे लिप कलर मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करती हूँ बहुत 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 ज्यादा यूज करती हूँ नाउ नो वे इज दिस ब्राउन न्यूड फॉर मी इट इज नॉट अ न्यूड कलर फॉर मी बट येस मेरे से अगर आप डार्क स्किन टोन के हो तो आपके लिए ये एक न्यूड कलर होगा मेरे लिए इट इज लाइक अ ब्राउन कलर्ड लिपस्टिक बट दिस ब्राउन कलर इज वेरी वेरी प्रिटी इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा अच्छा है बिल्कुल ड्राइंग नहीं है पूरे दिन लास्ट करता है मैं कुछ खा लूँ पी लूँ बिल्कुल नहीं ये लिपस्टिक हटती है प्लस ये वाली जो लिपस्टिक है ना बहुत ज्यादा लाइट वेट है दैट इज द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस लिपस्टिक ना इसका जो फॉर्मूला है ना जब मैं क्योंकि मैं इसको इतने टाइम से यूज कर रही हूं इट वॉज नॉट स्टिकी बट अभी आई डोंट नो मैंने कॉम्पोनेंट तोड़ दिया है उसमें हवा लग गई है इसकी वजह से इसका फॉर्मूला ख़राब हो गया या क्या हो गया है बट अभी ना इसको लगाने के बाद मेरे लिप्स थोड़े थोड़े स्टिक करने लग गए हैं आपस में सो so, मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ जस्ट इन केस यू नो यू बाई इट एंड आगे चल कर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन नॉट मैनेज मतलब बहुत ज़्यादा भी स्टिकी नहीं हो जाता बट येस yes, पहले ऐसा नहीं होता था अभी होने लगा है सो इट माइट बी माई प्रॉब्लम ऑल्सो क्योंकि मैं इसका कॉम्पोनेंट ही तोड़ चुकी हूँ तो इसमें अंदर एयर जा रही होगी तो एनी वो थोड़ा सा ड्राई भी होने लग गए हैं लिपस्टिक बट दिसरी वेरी प्रिटी एंड इस लिपस्टिक के ना मिनी भी आते हैं एंड ये कलर आपको पसंद आएगा लाइक आंख बंद करके कलर आप ले सकते हो बहुत ज्यादा अच्छा कलर है नेक्स्ट जो लिप कलर है ना वो सबसे डिफरेंट लिप कलर है दिस इज फ्रॉम द लैकमे का फॉर एवर मैट लिक्विड लिप कलर एंड दिस वन इज इन द शेड एटीन ब्राउन एस्प्रेसो लुक

स्किन टोन्स पे अच्छा लगेगा एक दिस इज वन ब्राउन कलर जो कि एकदम डीप डस्की स्किन पे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा इवन विदाउट लिप लाइन मैं इस कलर को ना बहुत ज्यादा वेयर नहीं करती हूँ बिकॉज इट इज जस्ट टू बोल्ड फॉर मी बट आई स्टिल लाइक टू वेयर इट यू नो विध न्यूड लिपस्टिक्स बट कभी कभी मैं इसको अपने आप में भी वेयर कर लेती हूँ वेन आई एम डूइंग लाइक दिस काइंड ऑफ आई लुक जब विद मेकअप वाला स्वाच देखोगे ना उस मेकअप लुके साथ ये वाली लिपस्टिक कितनी अच्छी लग रही है मुझे काफी ज्यादा पसंद है इट इज अ बोल्ड

थिन कंसिस्टेंसी की है तो उसकी वजह से आपको तीन चार लेयर लगानी पड़ती है टू तो गेट दैट ओपेक फिनिश बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अगेन थिन कंसिस्टेंसी है तो उतनी जल्दी आपके लिप्स को कवर नहीं करती है इट सेट्स कंप्लीटली मैट बिल्कुल स्मर्ज प्रूफ है लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज्यादा नहीं है कंपेयर टू तो द तो अदर लिक्विड लिपस्टिक्स दो तीन चार घंटे मैक्सिमम चल जाएगी अगर आप कुछ खा नहीं रहे हो क्योंकि ये ट्रांसफ़र करती है एंड बीइंग अ लिक्विड लिपस्टिक आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफर बट ये हर बार थोड़ा थोड़ा पिगमेंट ट्रांसफ़र करती है एंड बिकॉज ये इतना लाइट कंसिस्टेंसी की लिपस्टिक है तो जैसे जैसे ट्रांसफ़र होती है ना आपके लिप्स से इसका पिगमेंट बिल्कुल ही हट जाता है सो so येस yes, ये शेड अच्छा है ये लिपस्टिक का फॉर्मूला अच्छा है बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है सो यू नो यू कैन डिसाइड बट मुझे एक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है एंड लिकुड लिपस्टिक जैसे मुझे अगर वेयर करनी है एंड बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं वेयर करनी है तो मैं इस लिपस्टिक को रीच आउट करती हूँ वाई बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी इतना लाइट वेट है ना फील ही नहीं होता कि आपके लिप्स lips पे लिपस्टिक लगी हुई है मूविंग ऑन टू अनादर रियली डिफरेंट कलर इट इज फ्रॉम इनसाइड साइड की नॉन ट्रांसफर लिप कलर नाउ दिस वन इज इन देड जीरो वन जॉयफुल दिस इज वॉट द कलर लुक्स लाइक इट इज अ ब्यूटिफुल वॉर्म अंडर वाला ब्राउन कलर मतलब काफी ज्यादा सुंदर कलर है ऐसी लिपस्टिक मेरे पे इसके अलावा और कोई भी नहीं है दिस इज लिटरली द मोस्ट यूनिक ब्राउन कलर दैट आई हैव एंड इसको लगाने के बाद ना आपका लुक बिल्कुल डिफरेंट होगा आप इस लिपस्टिक को लगाओ एंड आई प्रोमिस कि आपको काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे बिकॉज इट इज अ वेरी यूनिक कलर जैसे और जो बाकी शेड्स मैंने आपको दिखाए हैं ना वो आपको सिमिलर सिमिलर लग जाएंगे बट इसके जैसा ना और कोई लिपस्टिक आपको नहीं दिखेगा एंड आई एबसोल्यूटली लव दिस कलर इंडियन वेयर के साथ ये इतना सुंदर लगता है and अभी जैसे जैसे फॉल सीजन आएगा ना उसमें ये वह लिपस्टिक सबसे ज्यादा मैं यूज करने वाली हूँ बिकॉज दिस वॉन्ट्स क्रीम्स ऑटम एंड फॉल इतनी ज्यादा ये सुंदर कलर है मैट है स्मच प्रूफ है ट्रांसफर प्रूफ है एंड बहुत अच्छा खासा लास्ट करती है एंड प्लस ये सौ रुपए से भी कम किया आई थिंक नाइन्टी एट या नाइनटी सेवन रुपीज की है उस प्राइस में ये लिपस्टिक आई डोन्ट नो वट देव पुट इन दिस बट ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत ये है कि ये हल्की सी बहुत थोड़ी सी लाइक टेन परसेंट ड्राइंग फील करती है तो जब भी आप इस, इस लिपस्टिक को अप्लाई कर रहे हो उसके नीचे आपको अच्छे से लिप बाम लगाने की जरूरत है उसके बाद यू नो यू कैन वर्क विद इट सो या दैट यू नीड टू कीप इन माइंड बट ये शेड बहुत ज्यादा सुंदर है बहुत ज्यादा यूनिक है सो येस इफ यू वॉन्ट यू नो अट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स दिस 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 फॉल सीजन सीजन फेस्टिव सो गेट गेट डेफिनेटली लिपस्टिक लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्लॉसेज क्योंकि इतनी देर से मैंने आपको इतनी सारी मैट लिपस्टिक्स दिखा दी है अब मैं आपको ग्लॉस दिखाती हूँ ब्राउन ग्लॉस जो मैंने आज वेयर किया हुआ है नाउ स्पॉइलर अलर्ट ये दो अलग अलग ग्लॉसेज है एक साइड पे है मेबीलीन का वाइनल इंक ब्राउन टाइप का इसका कलर है. मुझे काफी अच्छा लगता है एंड दूसरे साइड पे मैंने लगा रखी है मार्स का सिनेमेजिक लिप ग्लॉस इन दस्तानी जब मैं हाथ पे स्वच करती हूँ ना तो ये थोड़ा सा डार्क लगता है थोड़ा सा लाइट लगता है बट ऑन द लिप्स कैन यू स्पॉट द डिफरेंस मतलब मैंने पूरी वीडियो बना ली है एंड क्या आपको डिफरेंस पता चला मुझे कॉमेंट्स में बताओ पहले कि कौन सी साइड कौन सा वाला मैंने ग्लॉस लगा रखा है एंड लेट्स ही अगर आप यू नो फिगर आउट कर सकते हो कि नहीं बट येस yes, इन दोनों में फॉर्मूला वाइज काफ़ी सारे डिफरेंसेज हैं अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कौन से का फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा है और कौन से का नहीं है uh, वो देखने के लिए आपको मेरी दूसरी वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने इन दोनों का कंपैरिजन ऑफ व्यय टेस्ट किया है तो वो आप चेकआउट कर सकते हो नाउ इन दोनों का एक

See you super super soon in my next video till then stay safe, stay healthy. Bye bye.